यूक्रेन रूस की जंग में ये फेज बहुत ज्यादा विनाशक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में एक मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को कामयाबी मिल रही है। ये मोर्चा रूस के खिलाफ बारूदी तबाही का नहीं है बल्कि नेटो से हथियार हासिल करने के लिए संघर्ष का है। और कामयाबी इसलिए मिल गई है क्योंकि ज़ेलेंस्की की F-16 फाइटर जेट हासिल करने की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नीदरलैंड और डेनमार्क ने F-16 की सप्लाई डील साइन कर दी है, लेकिन ये डील कैसे बनेगी विनाश की आखिरी कील, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्धग्रस्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट के चेहरे पर इस मुस्कान की वजह बहुत खास है। इस खुशी की वजह है उस जरूरत और इच्छा का पूरा होने का रास्ता खुलना जो युद्धकाल में लंबे अरसे बाद कामयाबी के दरवाजे पर ले जाता है। ज़ेलेंस्की की यह जरूरत और इच्छा थी F-16 फाइटर जेट जिसके यूक्रेन को मिलने का रास्ता खुल गया है, और ये रास्ता खुला है नीदरलैंड ने। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की F-16 के कॉकपिट में बैठकर जहां अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहे हैं वो नीदरलैंड ही है, जहां उन्हें प्लेन की जानकारी दे रहे हैं रॉयल डच वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे स्ट्रियर। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि नीदरलैंड में रॉयल डच कमांडर का क्या काम, तो आप ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाएंगे कि न सिर्फ नीदरलैंड बल्कि डेनमार्क ने भी यूक्रेन को F-16 देने का इरादा साफ कर दिया है। यानी नीदरलैंड और डेनमार्क की यूक्रेन से F-16 की सप्लाई डील हो चुकी है। इस डील के तहत यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 42 F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे। इस डील में नेटो के दूसरे भागीदार और अमेरिका भी शामिल हैं। मदद के रूप में डेनमार्क 19 F-16 यूक्रेन को सप्लाई करेगा जबकि नीदरलैंड 23 F-16 फाइटर जेट्स की पहुंचाएगा। और ये डील सिर्फ 42 F-16 तक सीमित नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। इन फाइटर जेट्स के अलावा मददगार देश यूक्रेन को और भी लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर चुके हैं जो इस साल के आखिर तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी नीदरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन के दौरे पर हैं। ये दौरा F-16 की डील साइन होने के लिए ही जंग के बीच शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि रूस तक जारी हमलों के बाद अब यूक्रेन को ऐसी ताकत मिलने जा रही है जो रूस के लिए नया संकट खड़ा कर सकती है। ऐसा क्यों, इसे F-16 की क्षमता से समझ लीजिए। F-16 एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें प्रेट एंड विटनी F-100 इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन के कारण जेट को 2 मैक की स्पीड मिलती है जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 मील हो जाती है। इसके अलावा ये फाइटर 13,600 पाउंड तक पेलोड ढोने में सक्षम है। यानी यूक्रेन को वो ताकत मिलने जा रही है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर घातक मिसाइलें दाग सकता है। और जाहिर है कि यूक्रेन को इन फाइटर जेट्स के साथ मिलने वाली मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर होगा बल्कि रूस की सीमा के अंदर भी होगा। यही वजह है कि रूस ने F-16 की डील को हरी झंडी मिलते ही 2 बड़े एक्शन ले लिए। इनमें पहला एक्शन है यूक्रेन के लिए चेतावनी जो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जारी की है। उनके मुताबिक F-16 यूक्रेन को देकर आग से खेला जा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका इस खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं। F-16 फाइटर जेट को मॉस्को परमाणु खतरा मानेगा क्योंकि F-16 न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है। मतलब साफ है कि रूस ने F-16 डील को न्यूक्लियर खतरा मानकर नए लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है, और इस तैयारी का प्रमाण है जंग के मैदान में SU-57 को उतारना।
यानी वो प्लेन रूस वॉर जोन में ले आया है जो यूक्रेन में मचने वाली बारूदी और न्यूक्लियर तबाही का जिम्मेदार हो सकता है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जबकि रूस का SU-57 पांचवीं पीढ़ी का जेट है। दोनों ही जेट्स में तकनीक और क्षमता की कोई तुलना नहीं। रूस का SU-57 आसमान से बारूदी बवंडर उठा सकता है, आसमान में छिपकर F-16 को भी टारगेट कर सकता है। यानी आने वाले दिनों में ये जंग और भी भयावह रूप ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि F-16 को अगर रूस अपने SU-57 से टारगेट करता है तो फिर अमेरिका इस बारूदी बवंडर उठाने वाले प्लेन से मुकाबला करने वाले फाइटर जेट्स को यूक्रेन के आसमान पर लाना होगा और ये ताकत सिर्फ अमेरिका के एक फाइटर जेट में है, F-22 रैप्टर। लेकिन क्या F-22 रैप्टर और SU-57 का कोई मुकाबला हो सकता है? अमेरिका के F-22 रैप्टर को रूसी Su-57 का प्रतिद्वंदी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दोनों फाइटर जेट में कोई टक्कर है? जवाब देखिए, F-22 और Su-57 दोनों ही ट्विन इंजन फाइटर प्लेन हैं, लेकिन इंजन में फर्क है। इसलिए F-22 2.5 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है और Su-57 उससे ज्यादा 2.35 मैक की गति से उड़ान भरता है। बात दोनों में फिट हथियारों की भी करें तो F-22 में AIM-120 और AIM-9 मिसाइल लगी है, लेकिन इनसे ज्यादा घातक मिसाइल K-77M और R-77 लेकर Su-57 उड़ान भरता है। विशेषता की बात करें तो F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन Su-57 अपनी श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ स्टेल्थ जेट है जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया है, कोई रडार पकड़ नहीं सका है। वहीं ऑपरेशन रेंज की बात करें तो F-22 की रेंज है 2963 किलोमीटर, वहीं Su-57 की रेंज है 3500 किलोमीटर। यानी तकनीक के रूप से Su-57 आगे है, लेकिन इसमें बेहतर कौन सा जेट है इसे भी समझ लीजिए। F-22 की लंबाई 62 फीट है जबकि Su-57 की इससे ज्यादा 74 फीट है। F-22 के पंख का फैलाव यानी स्पैन 42 फीट है तो Su-57 का स्पैन 45 फीट है, यानी सुरक्षित उड़ान Su-57 की है। वहीं हथियार धोने की संख्या देखें तो F-22 में 8 हार्ड पॉइंट हैं जबकि Su-57 में ऐसे 12 पॉइंट हैं। अब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो Su-57 में जैमिंग पॉड्स और इंफ्रारेड काउंटर गेजर्स हैं, लेकिन F-22 में ये तकनीक मौजूद नहीं है। वहीं इन दोनों जेट्स में इस्तेमाल इंजन की बात करें तो F-22 में फ्रंट एंड विटनी F-119 इंजन है जबकि Su-57 में टर्बोफैन 117S इंजन है जो F-22 के मुकाबले Su-57 के लिए मल्टी रोल भूमिका निभाने में मददगार है। दरअसल F-22 रैप्टर अमेरिका का वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने किसी भी देश को, यहां तक कि नेटो के मेंबर्स को भी नहीं दिया है। एक तरह से अमेरिका ने इस फाइटर जेट को विनाशकारी हालात से बचाने के लिए सुरक्षित रखा है और भविष्य में इस प्लेन के यूक्रेन के वॉर जोन में इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है जिसे हवा दी है F-16 की डील ने, जिसे यूक्रेन को देना रूस ने परमाणु जंग का ऐलान माना है। इसलिए दूसरा एक्शन रूस ने SU-57 को उतार कर लिया है जिससे न्यूक्लियर जंग की आशंका और बढ़ गई है क्योंकि रूस के मल्टी रोल SU-57 के मुकाबले अब भी कोई दूसरा जेट फिलहाल उसके बरक्ष खड़ा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।